प्रभारी मंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री एक दिन से दौरे पर महू पहुंचे। यहां उन्होंने महू के हाई स्कूल स्टेडियम में शुरू हुई जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डे बोर्डिंग में फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रही बालिकाओं ने बाला बच्चन से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता की, जिसमें एक पत्रकार द्वारा माफिया पर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि अब महू भी माफिया मुक्त होगा। यह अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। महू में भी पुलिस ने माफियाओं पर कार्यवाही की सूची तैयार कर कैंट बोर्ड को दी है। उनकी अवैध संपत्तियों को तोड़ने में कैंट बोर्ड से यदि समन्वय नहीं बन पाया तो इसे लेकर अधिकारियों से चर्चा कर माफियों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन माफियों को किसी भी तरह से बचने नहीं देगी। महू कैंट एरिया होने से अगर कोई कार्यवाही करने में समस्या आ रही है तो पहले हम जिम्मेदार अधिकारी से चर्चा करेंगे, फिर कैंटोनमेंट बोर्ड को कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी लेने के बाद ही आगे की कार्यवाही करेंगे। इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों की कर्ज माफी कर रही है। इसके बाद स्टेडियम से गृह मंत्री खुली जीप में सवार होकर रोड शो भी किया। यह रोड शो हाई स्कूल स्टेडियम से प्रारंभ हुआ। इसमें गृह मंत्री बाला बच्चन के साथ पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, जाधव सिंह धनावत, कन्हैया लाल ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इंदौर से संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। जो दरबार जी और उनकी टीम जो चाहेगी खेलों को जो यहाँ लगेगा और खिलाड़ियों को जो लगेगा वो हमारा योगदान रहेगा। जी जी, और जिस तरीके से प्रदेश सरकार जो माफियाओं पर शिकंजा कस रही है उसके लिए महू के अंदर इतने सारे माफिया हैं, काफ़ी सारे शराबखोरी, अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण है? उसको हम चेक करवा लेते हैं। ये जो कार्रवाई स्टार्ट हुई है वो अभी खत्म नहीं हुई कल, और हम भी जो हमारे जो निर्देश मिले हुए हैं जैसा आप जो बोल रहे हैं हम अधिकारियों से इसको चेक करवाते हैं कि अगर कोई माफिया है और वो माफीगिरी अभी भी कर रहा है और हमारे सरकारी अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है तो हम देखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है सर, क्या लग रहा है अभी तक? किस बात कॉलोनियों के अंदर भी काफ़ी सारे लोग? मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 650 के करीब, साढ़े 600 के आसपास भूखंड के अधिकार पत्र लोगों को बांटे हैं, जिनपे अपराधिक तत्वों ने, गुंडों ने कब्जा कर रखा था, उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री ने झंडा वंदन करने के बाद उनका अधिकार उन लोगों को सौंपा है, तो सर्वप्रथम उन सभी को हमारी तरफ से उनको बधाई और शुभकामना। और ये हमारी शुरुआत जो हुई है मैं आपको बताना चाहता हूँ, न केवल इंदौर ही नहीं बल्कि इस मुहिम की इंदौर से हमने शुरुआत जरूर की है, लेकिन अब इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, सतना है, सिंगरौली है, सब जगह हमारी बड़ी कार्रवाई चल रही है और तेज कार्रवाई चल रही है। और अभी तक लगभग जो भू माफियाओं ने जो अवैध निर्माण कार्य शासकीय भूमि के ऊपर जो कर रखे थे, लगभग 1500 करोड़ रुपये की जमीन भी हमने उनसे खाली करवाई है, और ये निरंतर हमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जहाँ तक आपने महू का जो ध्यान रखा है, मैं बहुत जल्दी इसको मेरी संज्ञान में लेकर मैं तफ्तीश करूँगा अधिकारियों से, अगर कोई माफिया और उनको संरक्षण मिल रहा है और लोगों का अगर जीना और रहना अगर वो उनको परेशान और तंग कर रहा है तो अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की है, मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। सर, तत्कालीन सरकार के तौर पर यहाँ पर अकेडमी बनाई गई थी और यहाँ की कमेटी को ही, यहाँ के जो स्थानीय उनको यहाँ पर खेलने नहीं दिया जाता है काफ़ी सारी टीमों को, उसको दिखवा लेंगे हमारे जो दरबार जी और जिला अध्यक्ष जी, उनको बात अगर आती है हमारे लायक अगर कोई है हमारे लेवल पे अगर कर सकते शार्ट आउट तो हम, मैं भी यहाँ का जो प्रभारी मंत्री हूँ उस लेवल पे उस अधिकार का उपयोग करते हुए हम उसको शार्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि शासन स्तर पे बड़े लेवल पे भोपाल तक की अगर मदद की ज़रूरत है तो हम फिर भोपाल लेवल की सरकार के अधिकार का भी उपयोग करेंगे। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।